एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने 2022-2023 में यानी 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है। जी हाँ, साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साहित्यिक हिंदी विषय का जो नया पाठ्यक्रम है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, या आपको साहित्यिक हिंदी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, उस पाठ्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसे शेयर भी करें। और आज का यह वीडियो तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको साहित्यिक हिंदी विषय का जो नया पाठ्यक्रम है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, वह कुछ इस प्रकार से है। यहां पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम। तो नया पाठ्यक्रम क्या है साहित्यिक हिंदी का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, तो आप जान लीजिए आपका जो साहित्यिक हिंदी विषय का पेपर होगा 100 नंबर का होगा, यानी पूर्णांक क्या होगा पेपर का, 100 नंबर का पूर्णांक दिया होगा। और इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, पेपर का समय कितना होगा 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, यहां पर आप देख सकते हैं खंड का और खंड खा 2 खंडों में विभाजित होगा पेपर, आपका जो पेपर होगा। और खंड का के अंतर्गत जो प्रश्न होंगे 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड खा के अंतर्गत 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आपको 100 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत आपको क्या तैयार करना है, हिंदी गद्य का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना है, जिसमें आपसे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 5 अंक के बहुविकल्पी होंगे, हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित और काव्य साहित्य का विकास, हिंदी काव्य साहित्य का जो यानी हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित भी 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 नंबर यहां से भी मिलेंगे। तो कुल आपसे 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे इस वर्ष आपसे, जिस तरह से पिछले वर्ष पूछा गया था बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे 10 बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक उसी प्रकार से 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 गद्यांश होंगे और प्रत्येक गद्यांश के नीचे 5-5 प्रश्न होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, 2 पद्यांश पूछे जाएंगे। कितने? 2 पद्यांश। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां तथा भाषा शैली से संबंधित प्रश्न होगा और यह प्रश्न होगा 5 अंक का। यानी आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, साहित्यिक परिचय लिखना होगा, उनकी कृतियों के बारे में लिखना होगा, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 अंक यहां से मिलेंगे। इसके बाद 5 खा के अंतर्गत प्रश्न क्या होगा, काव्य सौष्ठव यानी कवि परिचय, जीवनी, कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द के अंतर्गत ही आपको लिखना है। यानी कुछ कवियों का नाम दिया होगा, आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से भी मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6 जो कि इस प्रकार से होगा, कहानी से संबंधित और कहानी में चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न होंगे, या कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु
भी प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे यहाँ से भी। प्रश्न संख्या 7 जो कि नाटक से संबंधित होगा, तो निर्धारित नाटकों की विशेषताएं एवं पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकतम आपको 80 शब्दों में उत्तर देना है। तो जो निर्धारित नाटक होंगे आपके जिले में, जो आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी नाटक के प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी 2 प्रश्न होंगे, आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना है, 5 अंक पक्के कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं खंड खा के अंतर्गत 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 का के अंतर्गत प्रश्न है पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर प्रश्न संख्या 8 का के अंतर्गत 2 गद्यांश होंगे संस्कृत के। कितने? 2 गद्यांश होंगे संस्कृत के। आपको किसी एक गद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर यहां से मिलेंगे। प्रश्न संख्या 8 खा जो कि इस प्रकार से है, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको करना क्या है, किसी एक पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। 2 पद्यांश होंगे यानी श्लोक भी हो सकते हैं और उसके हिंदी अनुवाद भी आपको लिखना है, जिसके लिए 7 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 क्या होगा, पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर कोई 2 प्रश्न करना है। यानी आपसे संस्कृत के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 जो कि काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित होगा और 10 का के अंतर्गत सभी रस परिभाषा उदाहरण एवं पहचान। 10 का के अंतर्गत आपको सभी रसों को पढ़ना है, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, विभस्य रस, वीर रस और अद्भुत रस, यानी जितने भी रस हैं, 9 रस हैं, आपको सभी रसों को पढ़ना है और उनकी परिभाषा यानी उनकी पहचान क्या है, उनके उदाहरण क्या हैं, सबसे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने सभी रसों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 खा के अंतर्गत अलंकार, अलंकार में शब्द अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है और श्लेष अलंकार पढ़ना है। तीनों अलंकारों की परिभाषा उदाहरण सहित मैंने बताई है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे, आप देख लीजिए। बिल्कुल आसान शब्दों में परिभाषा और उदाहरण बताए हैं, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। यह जो प्रश्न होगा 2 अंकों का होगा। यहां पर आप देख सकते हैं अर्थालंकार से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान और यहां पर आप देख सकते हैं अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति, इन सभी अलंकारों को आपको पढ़ना है और आपको परीक्षा में किसी एक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना है, जिसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 गा के अंतर्गत जो कि छंद से रिलेटेड होगा, मात्रिक छंद जिसमें चौपाई, दोहा, सोल्ठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, वैरवे, लक्षण एवं उदाहरण सहित आपको तैयार करना है। यानी चौपाई छंद, दोहा छंद, सोल्ठा और रोला तथा कुंडलिया से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप तुरंत देख लें और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब से जो तैयारी आप करेंगे तो वो तैयारी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इतनी चीजें पढ़नी है मात्रिक छंद के अंतर्गत, चौपाई, दोहा, सोल्ठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, वैरवे, लक्षण एवं उनका उदाहरण आपको तैयार करना है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं वर्ण व्रत, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मत गयंद, सुमुखी, सुंदरी, वसंतलिका, इनके भी आपको लक्षण एवं उदाहरण तैयार कर लेने हैं और इसके बाद मुक्तक में मनहर लक्षण एवं उदाहरण सहित आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से होगा, निबंध से रिलेटेड प्रश्न होगा, हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति, दिए हुए विषय पर निबंध, जैसे कि जनसंख्या पर, पर्यावरण पर, स्वास्थ्य,
शिक्षा आदि की जानकारी है तो इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें भी तैयार कर लें और अन्य जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उन्हें भी आप तैयार कर लें। 9 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको करना क्या है, किसी एक विषय पर, जी हाँ किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और ये 9 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं, क्रम संख्या 12 एवं 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न संख्या जो 12 एवं 13 जो होगा ये होंगे बहुविकल्पी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 का के अंतर्गत जो प्रश्न होगा संधि से रिलेटेड, और आपको पढ़ना क्या है, स्वर संधि। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो प्रश्न होगा कितने अंक का होगा, 3 नंबर का होगा। इसके बाद व्यंजन संधि, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विसर्ग, यानी तीनों संधियों के बारे में आपको पढ़ना है, उनके सूत्रों के बारे में भी पढ़ना है और महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 खा के अंतर्गत प्रश्न होगा समास से रिलेटेड, जिसमें आपको अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीही समास ही पढ़ना है। यानी इस बार आपको 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, 2022-2023 बोर्ड परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा के लिए आपको अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीही समास ही पढ़ना है। और मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ साहित्यिक हिंदी विषय का, जो 2022-2023 के लिए नया पाठ्यक्रम है, न्यू सिलेबस है, उसी की मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 जो कि शब्द रूप से संबंधित होगा, 13 का के अंतर्गत, जिसमें आपको संज्ञा में क्या तैयार करना है, आत्मन, नामन, राजन, जगत और सरित। सर्वनाम में आपको सर्व, इदम और यद। इसके बाद आप 13 खा के अंतर्गत देख पाएंगे प्रश्न होगा धातु रूप से संबंधित, जिसमें आपको पढ़ना है इस वर्ष लट, लोट, विधिलिंग और लंग और लिट लकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद 13 गा के अंतर्गत प्रत्यय में आपको कृत प्रत्यय, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तब्यत, अनियर आदि प्रत्ययों को भी पढ़ना है, त्वा, मतुप, वतुप, इन प्रत्ययों को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा 13 घा के अंतर्गत विभक्ति परिचय से संबंधित, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिता, परिता और इन सभी से रिलेटेड, सूत्र से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द साहित्यिक हिंदी विषय का भी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, और सामान्य हिंदी से रिलेटेड भी मॉडल पेपर का वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, निर्धारित पाठ्यवस्तु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश का अध्ययन करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, यानी खंड का के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं हिंदी गद्य खंड के लिए। तो हिंदी गद्य खंड है तो निर्धारित पाठ्यवस्तु कौन कौन सी है, पहले लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और पाठ का नाम क्या है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। और इसके बाद दूसरे लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और चैप्टर का नाम क्या है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। तीसरे लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी, इनके पाठ का नाम है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, और चौथे लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी, और इनके पाठ का नाम क्या है, आचरण की सभ्यता। पांचवे लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी, और इनके पाठ का नाम क्या है, शिक्षा का उद्देश्य। और छठे लेखक हैं राय कृष्णदास जी, इनके पाठ का नाम क्या है, आनंद की खोज पागल पथिक। और सातवें लेखक हैं राहुल शांकृत्यायन जी, और इनके पाठ का नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। आठवें लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, और इनके द्वारा लिखित पाठ कौन सा है, गेहूं बनाम गुलाब, और अगला पाठ है सड़क सुरक्षा। तो आपको 9 पाठ पढ़ने हैं हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत, और आपको 8 लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों को तैयार कर लेना है हिंदी गद्य खंड से रिलेटेड। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय आपको तैयार करना है, मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जरूर सूचना दूंगा, आपको जरूर बताऊंगा, तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं हिंदी काव्य खंड हेतु कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीरदास जी के द्वारा साखी और पदावली, मलिक मोहम्मद
जायसी जी के द्वारा नागमती वियोग वर्णन, और तीसरे नंबर पर है कवि सूरदास जी और इनका आपको विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत पढ़ना है, और चौथे नंबर पर है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके द्वारा जो रचित है भरत महिमा, गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका, इन्हें आपको तैयार करना है। पांचवें नंबर पर है केशवदास जी के द्वारा स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट, इन पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो आपको जरूर मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और छठे कवि हैं कविवर बिहारी लाल जी, तो इनके भक्ति एवं श्रृंगार के दोहे, और सातवें कवि हैं महाकवि भूषण जी, इनके शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्त, इतना ही आपको पढ़ना है। और आठवें नंबर पर है विविधा, तो विविधा में आपको सेनापति देव और घनानंद से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। और कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु कौन कौन सी है, यानी कथा साहित्य हेतु आपको क्या तैयार करना है 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बलिदान जो दिया गया है इसे आपको तैयार करना है, जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप, और भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित प्रयाश्चित, यशपाल जी के द्वारा रचित समय, और जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित ध्रुव यात्रा, इन महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, यानी इन कथाओं को आपको जरूर पढ़ना है, यहां से भी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर बनेंगे। इसके बाद आप यहां पर जानकारी प्राप्त कर लें कि आपको कौन कौन से नाटक पढ़ने हैं 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और कौन सा नाटक किस जिले में या किस जिले के लिए निर्धारित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुहासा और किरण, जिसके लेखक कौन है, श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं, और यह नाटक मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं और पीलीभीत जिले के लिए निर्धारित है। तो यदि आप इन दिए गए जिलों में से किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, कुहासा और किरण जिसके लेखक कौन हैं, श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं, आपको तैयार कर लेना है इस नाटक को, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर है आन का मान, जिसके लेखक कौन है, श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी, और यह नाटक निर्धारित है वाराणसी जिले के लिए, लखनऊ, इटावा, बरेली, फरुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव, हमीरपुर आदि जिलों के लिए यह नाटक निर्धारित है। तो यदि आप इन दिए गए जिलों में से किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो आप आन का मान, जिसके लेखक कौन है, श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी, आप इस नाटक को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पर है गरुड़ ध्वज, जिसके लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, और यह नाटक निर्धारित है आगरा जिले के लिए, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर, इन जिलों में से यदि आप किसी भी जिले के विद्यार्थी हैं इन दिए गए जिलों में से तो आपको तैयार कर लेना है गरुड़ ध्वज, जिसके लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। और चौथे नंबर पर है सूत पुत्र, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी, तो यह किन जिलों के लिए निर्धारित है, इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों के रहने वाले हैं तो आपको क्या पढ़ना है, सूत पुत्र नाटक, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी। इसके बाद आप देख सकते हैं पांचवा नाटक है राज मुकुट, जिसके लेखक कौन है, श्री व्यथित हृदय जी, तो यह नाटक किस जिलों के लिए निर्धारित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर जिले के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यदि आप इन जिलों में से किसी भी जिले के रहने वाले हैं यहां पर जितने मैंने आपको बताए, तो आपको तैयार कर लेना है राजमुकुट, जिसके लेखक कौन है, श्री व्यथित हृदय जी। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं उस हिसाब से जानकारी दे दी है कि आपको कौन सा नाटक तैयार करना है, और आप क्या ध्यान देंगे बोर्ड परीक्षा में, यानी आपकी जो परीक्षा होगी उसमें सभी नाटकों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपके जिले में जो नाटक निर्धारित है आपको सिर्फ उसी नाटक से रिलेटेड
प्रश्न का उत्तर देना है, इतना आप जरूर ध्यान देंगे। और जब मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, हल कराऊंगा, तो भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और अपने मित्रों को भी चैनल के साथ जुड़ें। इसके बाद आपको क्या करना है, खंड खा के अंतर्गत यानी संस्कृत दीर्घ दर्शिका हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है, यानी संस्कृत खंड के लिए संस्कृत दीर्घ दर्शिका में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला पाठ क्या है, वंदना, दूसरा पाठ है प्रयागः, तीसरा पाठ है सदाचारोपदेशः, चौथा पाठ है, यहाँ पर चौथा पाठ हिमालयः, पांचवा पाठ है गीतामृतम, और छठा पाठ है यहाँ पर आप देख सकते हैं छठा नंबर का यानी छह नंबर का जो पाठ है चैरेवेति चैरेवेति, सातवें नंबर का पाठ है लोभः पापस्य कारणम्, आठवां पाठ है विश्वबन्धः कवयः, और नौ नंबर का पाठ है चतुरस्य चौरः, और दस नंबर का पाठ है यहाँ पर आप देख सकते हैं सुभाष चंद्रः। तो आपको संस्कृत खंड के लिए यानी संस्कृत में संस्कृत दीर्घ दर्शिका में आपको 10 चैप्टर तैयार करने हैं। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि आपको 2022 2023 हेतु यानी 2022-2023 परीक्षाओं के लिए आपको साहित्यिक हिंदी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे दी है। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। और मैं आपको जल्द से जल्द कक्षा 11 से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराना शुरू कर दूंगा। आप कमेंट करके बताएं कि आप किस क्लास में हैं और किस जिले के हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़कर अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद।